नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 और 28 जनवरी को एग्जाम लिया गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2019 यानी जो 27 और 28 जनवरी का आपका एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसका आंसर की जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपकी आंसर की आ गई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 27 और 28 जनवरी का एग्जाम हुआ था। और कैसे चेक करना है चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों। आपकी ऑफिशियली आंसर की आई हुई है और ये लिंक देख पा रहे हैं दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी और कैसे चेक करेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये जो आप वेबसाइट देख पा रहे हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या, जहाँ से दोस्तों आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे ना एग्ज़ाम के लिए, वहीं से आपके आंसर की भी डाउनलोड हो रही है। सेम वेबसाइट से आपके आंसर की भी डाउनलोड हो रही है जहाँ से आपने, जिस लिंक से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर यूज़र आईडी आपको फिल करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद लॉगिन कर देना है। तो हमने यूज़र आईडी वही आपका जो सीक्वेंस नंबर है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो हमने यूज़र आईडी यहाँ पर किसी का कॉपी कर रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। और कुछ इस तरह की आपकी यूज़र आईडी पेस्ट हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आपको बताते हैं चेक करके कैसे आपको चेक करना, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए दोस्तों, कुछ नया पेज इस तरह का ओपन हो जाएगा और आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, और नीचे यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल है जो कि हम आपको दिखाने वाले नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों ये किसी कैंडिडेट का हमने लिया है तो उन्होंने मना कर रखा है। तो आपको बस आंसर की दिखाते हैं कैसे देख पा रहे हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी आंसर की आ गई है दोस्तों, और यहाँ पर ऑल का ऑप्शन मिल रहा है। ऑल के ऑप्शन पर अगर दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है तो वहाँ पर जाकर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे, यहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्शन है दोस्तों। तो ऑब्जेक्शन के लिए हम आपको नेक्स्ट में वीडियो बनाकर बता देंगे। तो सबसे पहले आंसर की डाउनलोड करना है, तो जो आपके यहाँ पर आंसर की दी गई दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना। चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर दिया गया क्लिक हेयर टू डाउनलोड आंसर की फॉर सेट डी। आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी आंसर की कुछ इस तरह की डाउनलोड होकर आ जाएगी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने पहले से डाउनलोड कर रखा था इसलिए डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह की आपकी आंसर की है दोस्तों, आप लोग इस तरह से आंसर की अपना चेक कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी मन में आपकी कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई हम दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।